अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। محترم हाज़िरीन मजलिस, इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, हालात आप जानते हैं कि मुल्क में किस तरह के हालात हैं और बाज़ दफ़ा हम अपने समाज में भी इस तरह की कोई तस्वीर, इस तरह की कोई कंडीशन देख लेते हैं कि जिससे बाज़ दफ़ा हमें खौफ, ख़तरा, अंदेशा और डर लाहिक होता है। तो इन तमाम तरह के हालात में हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहिए, हमें किस तरह रहना चाहिए, किस तरह इन तमाम हालात का हमें मुकाबला करना चाहिए, इस हवाले से आज की इस मजलिस में इंशाअल्लाह मैं चंद बातें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली बात, हमेशा इस बात को याद रखें कि हर चीज़ अल्लाह के हाथ में, हर चीज़ अल्लाह के हाथ में। हर किस्म का पावर, हर किस्म की जो है चीज़, जिसको भी आप समझ सकते हो, जो चीज़ भी आपके दिमाग में आ सकती है, वो तमाम चीज़ें अल्लाह के हाथ में। इसीलिए जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी खुतबे मसनूना के बाद, इसका तर्जुमा यह है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए मालिकल मुल्क, कि ए अल्लाह, तू बादशाहों का बादशाह है, तू सबसे बड़ा बादशाह है। तू उतिल मुल्क मन तशा, तू जिसको चाहता है बादशाहत देता है। वतनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और तू जिससे चाहता है बादशाहत छीन लेता है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, और तू जिसको चाहे इज़्ज़त दे दे और तू जिसको चाहे ज़लील कर दे। बियदिकल खैर, हर तरह का खैर, हर तरह की भलाई, हर तरह की अच्छाई तेरे ही हाथ में। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, ए अल्लाह, तू बेशक हर चीज़ पर क़ादिर है। हम वित्र की नमाज में दुआए क़ुनूत में पढ़ते हैं वला यइज़्ज़ु मन आदैत, के अल्लाह, तू जिसको अपना दुश्मन बना ले, तू जिसके खिलाफ हो जाए, उसको कोई इज्जत नहीं दे सकता। वला यदिल्लु मौवालैत, और तू जिसको अपना साथी, अपना दोस्त, अपना वली, अपना करीबी बना ले, उसको कोई जलील नहीं कर सकता। तो हालात जैसे भी आपके सामने हो, हमेशा इस बात को याद रखें कि हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में। कोई अपने आप को कितना बड़ा सुपीरियर, कितना सुपर पावर, ताकत वाला हुक्मरा अपने आप को कोई क्यों ना समझे, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखें कि अल्लाह से बढ़कर कुछ नहीं, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं। हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में। और इसीलिए आप देखें, हमारे यहाँ जितनी खराबियाँ हम मुसलमानों के यहाँ जन्म लेती हैं, पैदा होती हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह क्या है कि लोग अल्लाह को पहचानते नहीं। हम अल्लाह की इबादत तो करते हैं, लेकिन आप अपने दिल से पूछें कि क्या वाकई आप अल्लाह को पहचानते हैं? हमने अल्लाह को पहचाना ही नहीं, हमने अल्लाह को जाना ही नहीं। और समाज में जितनी खराबियाँ, जितनी बुराइयाँ और जितनी बिदअतें जन्म लेती हैं, इनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों ने अल्लाह को नहीं पहचाना। इसीलिए अल्लाह ताला क्या कहते हैं सूरह मोहम्मद की आयत में, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तमाम उलूम में, दुनिया के अंदर जितनी तरह के इल्म पाए जाते हैं, चाहे दुनियावी हो या उखरवी हो, इनमें सबसे बड़ा इल्म क्या है पता है? अल्लाह की मारिफत हासिल करना, अल्लाह को पहचानना, अल्लाह को जानना, अपने रब का तारुफ हासिल करना। जब तक बंदा अपने रब को नहीं पहचानेगा, तब तक सही मानों में उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। इसीलिए तौहीद की तीन किस्में, उनमें तीसरी किस्म तौहीद अस्मा व सिफात है कि आप अल्लाह के नामों को देखें। कितने अल्लाह के नाम हमें पता ही नहीं है, उनका मायना क्या है हम जानते ही नहीं है। अगर अल्लाह ताला के नाम, अल्लाह की सिफात, अल्लाह के बारे में हमें सही तरीके से तारुफ हासिल हो जाए तो कभी भी हम और आप इस तरह के जो है मायूसी के शिकार हो ही नहीं सकते अगर हमारा ईमान इस बात। इसलिए बाज़ दफ़ा देखें लोग इस तरह का जुमला निकालते हैं कि अल्लाह ताला क्या कर रहा है, मुसलमानों की मदद नहीं कर रहा है, अल्लाह ताला की मदद क्यों नहीं आ रही है, या अल्लाह ताला फला जो है जालिम को हलाक क्यों नहीं कर रहा है। आप अल्लाह ताला को बताएंगे कि फला जालिम को हलाक करना है कि नहीं करना? आप अल्लाह ताला को बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है? आप अल्लाह को बताएंगे कि अब जो है मुसलमानों की मदद होनी चाहिए अब नहीं होनी चाहिए। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, जालिम क्या कर रहा है, जालिमों के करतूत से अल्लाह गाफिल नहीं है। इस हवाले से और बातें भी आएंगी। तो हमेशा सबसे पहली बात इस बात को याद रखें कि हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है और उसकी बनाई हुई लिमिट, उसके बनाए हुए हुदूद से कोई भी उसको क्रॉस नहीं कर सकता। और जो क्रॉस करता हुदूद, ऐसे लोगों को अल्लाह ने जालिम करार दिया। ये पहली बात। दूसरी बात, दुनिया के अंदर कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कोई कितना बड़ा ही क्यों ना हो जाए, हर उरूज को जवाल है, हर उरूज को जवाल है। अल्लाह ताला सबसे बुलंद है, उसके ऊपर कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं। दुनिया के अंदर हुक्मरानी और ताकत के हिसाब से कोई अपने आप को कितने अजीम मनसब पर, ओहदे पर क्यों ना समझ ले, लेकिन याद रखें कि हर उरूज को जवाल है, हर उरूज को जवाल। कोई हमेशा बुलंदी पर नहीं रहता, कोई हमेशा पस्ती में नहीं रहता। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, इन दिनों को, इन अय्याम को, इन घड़ियों को हम लोगों के दरमियान उलटते पलटते रहते। आज कोई है, कल कोई होगा, परसों कोई होगा, आने वाले जमाने में कोई और होगा। हमेशा कोई एक रहे यह नामुमकिन है, यह नामुमकिन है। चाहे मुसलमान हो या चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी हमेशा के लिए उरूज पर नहीं हो सकता। ये तारीख से भी आप पूछ सकते हैं और कुरान मजीद की आयत भी और आपको तालीम देती है। हर उरूज को जवाब, एक ना एक दिन बुलंदी पर जाने वाला जो है वो नीचे आता है, उसको जवाल मिलता है। और खास तौर से वो उरूज पर जाने वाला अगर घमंड का शिकार हो, तकब्बुर में मुब्तला हो, तो अल्लाह ऐसे लोगों को बहुत जल्द इंसानों के लिए इबरत का और नसीहत का सामान बना दे। इसे कितनी मिसालें हमारे सामने आप देखें। तो हमेशा इस बात को याद, हर उरूज को आप ये समझिए कि ये ऊपर चला गया है तो नीचे नहीं आ सकता, ये हमेशा यही रहेगा। तो ये आपकी जो है मायूस हो जाने की एक दलील है कि आप मायूस हैं, आप मायूस हैं। नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता। वतिलकल अय्याम नुदाविल, ये सूरह जो है सूरह आले इमरान के अंदर जंगे उहुद के पस मंजर में अल्लाह ताला ने बात बयान की। इन यमससकुम करहुन फकद मस्सल कौम करहुन मिसलु, जंगे उहुद में 70 सहाबा शहीद कर दिए गए, सहाबा बड़े परेशान हो गए। तो अल्लाह ने तसल्ली के अंदाज में कहा कि अगर आज तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची है ना, तो इससे पहले तुमने उनको तकलीफ दी थी। इन यमससकुम करहुन फ़क़द मस्सल कौम करहुम मिसलु, जैसे आज मुसीबत तुम्हें आई है, 70 जो है तुम्हारे साथी शहीद किए गए, इससे पहले जंगे बद्र में तुमने उनके 70 को मारा था। तुम्हारा काम क्या है? अल्लाह कानून बताते उसूल, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, हम इन दिनों को, इन अय्याम को, घड़ियों को लोगों के दरमियान उलटते पलटते रहते हैं। और वलियअलमल्लाहु लदीना आमनू वयत्तखिद मिनकुम शुहदा, अल्लाह ऐसे हालात इसलिए लाता है ताकि अल्लाह ताला जान ले कौन सही मानों में ईमान वाला है, कौन सही मानों में ईमान वाला नहीं है। और याद रखो वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता, अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात, वक्त के हिसाब से अपने आप को होशियार और अक्लमंद बनाए। आज हमारे यहां देखे ना, दुनियावी हिसाब से हम अक्लमंद बनते जा रहे हैं, लेकिन और दीगर चीज़ों में हमें किस तरह रहना चाहिए, हालात का कैसे मुकाबला करना चाहिए, अगर कोई किसी तरह की मुसीबत आ जाए तो कानून और आईन की रोशनी में हमें कौन कौन से जो है फ़ायदे मिलते हैं, हमें कौन कौन से हालात से गुजरना पड़ सकता है, उसके ताल्लुक से जानकारी हम हासिल नहीं करते। हमें पता ही नहीं होता है कि भाई हमारे हुकूक क्या हैं, हमारे हुकूक क्या है, इस मुल्क में रहते हुए हमें हम क्या क्या कर सकते। नहीं, वक्त के हिसाब से हमने अपने आप को होशियार और अक्लमंद बनाए। मोबाइल चलाना हमको आ गया, लैपटॉप चलाना आ गया, कंप्यूटर चलाना आ गया, लेकिन दीन के हिसाब से, जिंदगी गुजारने के हिसाब से हमने अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लमंद नहीं बनाया, अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लमंद। तो वक्त के हिसाब से अपने आप को होशियार बनाए, अक्लमंद बनाए। ये नहीं कि भाई चलो किसी पर मुसीबत आ रही, आने तो हमारे ऊपर थोड़ी आ रही, हम तो बड़े मजे में। नहीं, ये गलत रवैया है, ये गलत सोच। मुसीबतें बताकर नहीं आती हैं, मुसीबतें बताकर नहीं आती हैं। और इसीलिए आप देखें, मशहूर मिसाल है कि मुसीबत के आने से पहले, सावन का, बारिश का महीना आने से पहले परिंदा अपना घोंसला बना लेता है। क्यों? इसलिए कि उसको पता है कि बारिश का मौसम आने वाला है, मेरा कोई ठिकाना नहीं होगा, घोंसला रहेगा तो घोंसले में मैं आराम से रह सकता हूं। लेकिन अगर बारिश का मौसम आ जाने के बाद वो घोंसला बनाना शुरू करे तो ना घोंसला बनेगा, ना ठिकाना मिलेगा। आप जो है, हालात इस तरीके के आ जाए, फिर अपने आप देखें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तब तक दूसरे लोग आप पर कब्जा जमा लेंगे। आपको होशियार बनना है। मुसीबत आने से पहले उसका खात्मा कैसे किया जाए, उसका मुकाबला कैसे किया जाए, अपना दिफा हम कैसे करें, डिफेंस हमारा जो है मजबूत होना चाहिए, किस तरीके से कानून हमें किन किन चीज़ों की इजाज़त देता है, इन सारी चीज़ों की हमें जानकारी हासिल करना चाहिए और इन सारी चीज़ों का हमें इल्म भी होना चाहिए। नंबर 4, अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत करें। हमारे यहाँ देखें, लोग कहीं सफ़र पर निकलते हैं तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, फौरन फोटो लेकर के शेयर कर रहे हैं, फौरन फोटो लेकर के शेयर कर रहे हैं कि अब यहां घूमने गए। क्या जरूरत है बताने की? क्या जरूरत है बताने की? भाई आप जुहू गए फैमिली के साथ, क्या जरूरत है आपको बताने की? कोई इनाम मिलने वाला, कोई प्राइज मिलेगा? फेसबुक की तरफ से आपको जो है कुछ भेजा जाएगा कि हाँ बहुत अच्छा आप जुहू गए, या जुहू के इलाके के बीच के जो जिम्मेदारान हैं उनकी तरफ से कुछ मिलेगा आपको कि भाई आपको गिफ्ट मिला, वाउचर मिलेगा, आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा कि हाँ भाई आप आए, बड़ा अच्छा लगा हमको। क्या जरूरत है आपको भाई कि आप सैर करने गए? उसमें भी बच्चे होते हैं, उसमें भी बच्चियां होती हैं, उसमें भी फैमिली है, सबकी तस्वीरें आप डाल रहे हैं। क्या होता है आपको? नजर लगती है, नजर लगती है। और फिर इसका मुमकिन है कहीं उल्टा असर आपकी जिंदगी में, आपको बच्चा बीमार हो जाए। इसलिए आप देखें, बाज़ दफा ऐसा होता है कि हम घूमने के लिए निकलते हैं, फैमिली के साथ आप निकलते हैं, बच्चा होता है, प्यारा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, नजर लग गई किसी की। या बाज़ दफा आपने फोटो डाला, बाज़ दफा आपने फोटो बच्चे की डाल दिया, कहीं जो है आप स्टेटस पर लगा रहे हैं, कहीं फेसबुक पर लगा रहे हैं, मेरा बच्चा, इसका ये नाम है। आप सबसे दुआ की दरखास्त है। किसी ने दुआ दे दिया, किसी ने माशाअल्लाह लिख दिया, किसी ने कुछ लिखा, बड़े खुश हुए, बड़े कमेंट्स आ रहे हैं, लोग बड़ा लाइक कर रहे हैं, बड़ा पसंद कर रहे हैं। उसी में से किसी की नजर भी लग गई, आपके बच्चा बीमार हो गया। आपको लगा कि तो अभी तो अच्छा खासा था, कुछ नहीं हुआ था इसको, अब बीमार हो गया, क्या मसला है? गलत बात है ये। अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत करना यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपके। बाज़ दफा सफर में निकलो, देखे लोग कितने आराम से, तो कोई फिक्र नहीं होती, कोई फिक्र, अपना अपना सब मगन है, कोई या मोबाइल में मगन है, कोई या मोबाइल में मगन, सब अपने अपने में मगन है। घर वालों की कोई फिक्र नहीं है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किससे बात हो रही है, किससे बात नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोई फिक्र नहीं। यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, सब फोटो शेयर कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, ग्रुप में डाल रहे हैं, फेसबुक पर, इंस्टा पर, पूरा भरा हुआ है इंस्टा, फेसबुक पूरा भरा हुआ है। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप दुनिया वालों को बताएं कि आज आप कहां गए थे। भाई आप गए थे, आपको अच्छा लगा, आपको खुश हो गए, बस हो गया, बात काफी है। आपकी तफरी हो गई थोड़ी सी, आपका मूड थोड़ा सा फ्रेश हो गया, काफी हो गया ये, दैट्स इट। बाकी आप उसके से आगे बढ़ करके अगर कोई काम करते हैं तो ये आप सिर्फ अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने जहन को, दिल को खुश करने के लिए, उसका कोई फायदा नहीं, बल्कि उल्टा मुमकिन है उसका कोई नुकसान हो जाए आपको। तो ये चौथी बात है कि अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत करें और इस ताल्लुक से भी होशियार रहें। पांचवी बात, और बहुत अहम बात है, सफर पर निकले तो सफर पर निकलते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके निकले। एहतियाती तदाबीर हमारे यहाँ देखिए, इस ताल्लुक से भी कोताही है। आजकल लोग सफर कर रहे हैं ना, तो सफर करके जा रहा हूँ, कहाँ से जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, टिकट क्या है, सीट नंबर क्या है, सब शेयर करते हैं, सब शेयर कर रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत। आपको नहीं पता कितने हैकर्स, कितनी जो है तंजीमें, और कितने जो है इदारे, और कितने जो है इस तरह के बदमाश लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। बाज़ दफा ना फैमिली के साथ सफर कर रहे हैं, सफर में, रास्ते में गए, खास तौर से औरतों के ताल्लुक से आप देखें, औरत से बातचीत में मशगूल हो जाती है, तो बहन कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, कितने दिन रहोगे, सारी चीज़ें शेयर कर लेते हैं। पता चला कि बेटी की शादी करना है, बहन की शादी करना है, किसी रिश्तेदार लड़की की शादी करना है, और तो पता ही है यहाँ हो सकता है सोना वोना लेके जा रहे हो, गोल्ड लेके जा रहे हो, पता चला बैग गायब हो गया। इस तरह के हालात आते हैं, इस तरह के हालात। और आजकल देखें ना भाई, मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि इसकी क्या ज़रूरत है कि आप दुनिया को बताएं कि आप जो है राजधानी से जा रहा हूँ, शताब्दी से जा रहा हूँ, आज से दो आजकल तो ये पता नहीं कौन कौन सी ट्रेन से और फिर जहाज से जा रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप पहुँच गए अपने घर पर, फिर आपने बताया कि हाँ आज सफ़र किया, ये तजुर्बा हासिल हुआ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसे आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि आप अपने मकाम पर पहुँच गए। लेकिन रास्ते में इस तरह की बेहतियाती एक अक्लमंद इंसान की तरफ से ये कतई तौर पर मुनासिब नहीं है, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि आप अपनी डिटेल्स पूरी दुनिया वालों के साथ शेयर करें, जो कि एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई प्राइवेसी नहीं। चलो व्हाट्सएप एक बार मान लो आपने स्टेटस पर लगा दिया, तो जो जो देख रहे हैं या कंपनी है उसको मालूम हो रहा है, वो भी कंपनी का एक दावा है कि भाई नहीं हम नहीं देखते, हम कोई डेटा नहीं लेते हैं आपका, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, ना आपका लेते हैं ना सामने वाले का लेते हैं, हम कोई सेव होम नहीं करते। चलो एक बार कंपनी को सेव भी हो जाए, लेकिन उसके अलावा जिनके नंबरात आपके पास नहीं या आपका नंबर जिनके पास नहीं उनको तो नहीं मालूम होगा। चलो एक बार व्हाट्सएप पे आपने लगा लिया, लेकिन इंस्टा पे लगाना, फेसबुक पर लगाना, प्रचार करना और उसको आम करना, ऐसा लग रहा है कि भंडारा हो रहा है, चलो फला जगह कॉन्फ्रेंस है वहां चले जाएंगे। गलत बात है, ये गलत बात। सफर पर निकले, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, और एहतियाती तदाबीर में एक चीज एक अहम यह है कि भाई आप देखें कि आपका रूट कौन सा है, उस रूट पे किस तरह के हालात का सामना मुमकिन है आपको करना पड़ सकता है। फिर साथ ही ये कि हो सकता है कि हालात ऐसे खराब हो जाएं तो आप अपने दिफा के लिए कोई ऐसी चीज साथ में रखें कि बवक्ते जरूरत आप उसके जरिए सामने वाले का मुकाबला कर सकें, और इसकी इजाजत तो आपको कानून भी देता है। अपने डिफेंस के लिए आप कोई भी काम कर सकते, सामने वाला अगर आपको मारने आ रहा भाई आप क्या करेंगे, आपको डिफेंस करना, आप अपने आप को बचाएंगे। तो डिफेंस में, दिफा में आप सामने वाले का मुकाबला करने के लिए जो है आप उस पर हथियार का मतलब ये है कि आप जो है लाठी है, डंडा है या जो भी इस तरह की चीजें कर सकते हैं आप इकट्ठ। तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए, कानून इसकी इजाजत देता है। अच्छा, इसमें एक और चीज हमारे यहाँ लोग गाफिल हो जाते हैं, सफर पर गए, हमारे यहाँ इससे पहले भी शायद मैंने आपके सामने बात जिक्र किया हो, आजकल तो यहाँ से फिल्में डाउनलोड करके लेकर जाते हैं, सफर पर देखेंगे, सफर पर देखें वेब सीरीज, ड्रामे, यहां से रास्ते में नेटवर्क नहीं आता, अच्छा नहीं आता, रास्ते में देखेंगे, मस्त में मोबाइल खोला, टैब खोला, लैपटॉप खोला, देखने लगे, जिंदगी मस्त चल रही। इसी हाल में इंतकाल हो गया तो, इसी हाल में मर गए तो, अचानक आप इस बेखबर हैं, पूरी दुनिया से बेखबर, कुछ नहीं, अपने आप में मगन है, मशगूल है, लेकिन हालात क्या हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप मुसलमान हैं तो सफ़र करते हुए आप जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में सफ़र पर निकलते वक्त इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। अच्छा, एक और बात कि जब आप सफ़र पर निकलें, अगर बहुत कोई मजबूरी नहीं है तो अकेले सफ़र ना करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इससे मना किया, अकेले सफ़र ना करें। अकेले सफ़र करेंगे, हो सकता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हो सकता है आप बीमार हो जाएं, कौन होगा आपकी देखरेख के लिए, हो सकता है आपके साथ कोई अचानक ऐसा हादसा हो जाए, हो सकता है आप किसी जगह जो है बीमार हो जाए, कहीं गिर जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी और तरह की जो है हालात का आपको सामना करना पड़ जाए, तो कौन होगा आपके साथ। तो इसीलिए कहा अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो तो अकेले सफ़र ना किया करें। और इसमें एक और बात कि जब सफर पर निकले तो सफर की दुआ पढ़ करके जरूर निकलें, सफर की दुआ जरूर पढ़ करके निकलें। और सफर की दुआ क्या है, क्या दुआ है सफर की? सुब्हानल्लज़ी वमा कुन्ना लहू व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, ये सफर की दुआ है, ये सफर की दुआ है पक्का, ये सवारी पर सवार होने की दुआ है, ये सवारी पर सवार होने की दुआ है, सफर की दुआ, इससे आगे बढ़ेंगे, लंबी सी दुआ है। इसका माना क्या है? सुबहान अल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, सखर लना हादा, जिसने इस सवारी को हमारे लिए क्या किया? मुसखर किया, हमारे ताबे कर दिया। वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, हालांकि हम इसको कंट्रोल में करने वाले नहीं थे। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, और हमें अपने रब की तरफ ही यकीनन पलट करके जाना। इस सवारी पर सवार होने की दुआ, सफ़र की क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़ी सफ़रिना हादा अल-बिर्र वत-तक़वा व मिनल अमली मा तर्दा अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हादा वत्वी अन्ना बुअदा अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फ़ी सफ़र वल खलीफ़तु फ़िल अहल अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन वअसाइ सफ़री व कआबतिल मंज़री व सूइल मुनक़लबी फ़िल माली वल अहल। ये है सफ़र की दुआ, लंबी सी। ये उलमा ने उसको भी, छोटी वाली जो दुआ है उसको भी बाज़ उलमा ने सफ़र की दुआ में शुमार किया, लेकिन असल जो सफ़र की दुआ है ये बाद वाली जो मैंने आपको सुना है। अगर किसी को याद नहीं तो उतना भी इंशाल्लाह काफ़ी होगा, लेकिन ये इतना, अगर इस दुआ जो लंबी सी दुआ मैंने पढ़ा इसका मफ़हूम आप देखें क्या है? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका, ऐ अल्लाह हम तुझसे मांगते हैं इस सफ़र में क्या? अल-बिर्र वत-तक़वा, नेकी और तकवा का सवाल करते हैं कि हमसे इस सफ़र में नेकी का काम ही हो, तकवा का काम। व मिनल अमली मा तर्दा, और ऐसा काम हम करें जिससे तू खुश हो जाए। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हादा, ऐ अल्लाह हमारे इस सफ़र को तू हमारे ऊपर आसान कर दे। वत्वी अन्ना बुअदा, और बहुत लंबा सफ़र है, गांव जा रहा हूँ 1600 किलोमीटर का सफ़र है, ऐ अल्लाह इस दूरी को समेट दे, इस दूरी को कम कर दे। वत्वी अन्ना बुअदा अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन वअसाइ सफ़री व कआबतिल मंज़री व सूइल मुनक़लबी फ़िल माली वल अहल। आगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अल्लाह हम तुझसे सफ़र की सुऊबतों, मुश्किलात से हम तेरी पनाह चाहते हैं, बुरे मंजर, बुरे सीन से तेरी पनाह चाहते हैं। वापस मैं पलट करके इस सफ़र से आऊँ और माल मेरा ख़राब हो, मेरी फैमिली ख़राब हो जाए, इस बात से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। और ऐ अल्लाह मैंने अपनी फैमिली को तेरे हवाले किया है, मैंने इनका खलीफा बनाया है तुझे, ऐ अल्लाह तू इनकी हिफाजत करना। ये पूरी दुआ है सफ़र की। जब सफ़र पर निकले तो सफ़र की इस दुआ का ज़रूर एहतमाम करके निकला करें। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। तो ये पाँचवीं बात, सफ़र पर जब निकलें तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके निकलें, होशियार बने और अक्लमंद बने। पाँचवीं बात, दुआओं का खुसूसी एहतमाम करें। अब यहाँ दुआओं का अलग से मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ? इसलिए कि बाज़ दफ़ा आप सफ़र पर नहीं निकलते, बाज़ दफ़ा सिर्फ घर से अपने काम के लिए मार्केट जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि कोई बंदा आ रहा था, तेज़ आ रहा था, गाड़ी तेज़ चला रहा था, खुद भी गिरा, आपको भी लेकर के गया। बाज़ दफ़ा कुछ होता है कि आपको कोई चोट लग जाती है रास्ते में, बाज़ दफ़ा आप फिसल करके गिर जाते हैं, बाज़ दफ़ा आप जो है कोई किसी और तरीके से चोट खा जाते हैं। तो ये तमाम तरह की मुसीबतें हैं, परेशानियां। और हो सकता है बाहर कभी आप निकले, दो लोगों का झगड़ा हो, उसमें आप मारे जाएं, सफ़र आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के मुमकिन हालात का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए कहा कि हमेशा दुआओं का खुसूसी एहतमाम करते रहें, बतौर ख़ास जब अपने घर से बाहर निकले तब। इसीलिए हमारी शरीयत हमें दुआ सिखाती है घर से बाहर निकलने की। सबको याद है? पक्का सबको याद है? पढ़ते कितने लोग हैं? इक्का दुक्का 10 लोगों को याद हो तो कोई एक दो पढ़ता हो। सब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई एक दो पढ़ता होगा। बस अपने धुन में जो है घर से निकले, मोबाइल लिया, घर से निकले, बैग उठाया, टिफिन लिया, पहुंच गए ऑफिस, पहुंच गए दुकान पर, दुआ, सलाम, बाहर निकलने की दुआ, कुछ याद नहीं रहता। कभी चाबी लेना भूल जाते, वो याद आ जाता है, दुआ याद नहीं आती। हालांकि कितनी प्यारी सी दुआ है, छोटी सी दुआ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बस इतना ही है, सिर्फ इतनी सी दुआ। अल्लाह के नाम से मैंने अल्लाह पर तवक्कुल किया, कोई ताकत और कुव्वत नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये माना है इस दुआ का। अब जब बंदा ये दुआ अपनी ज़बान से कहता है तो एक पुकारने वाला पुकारता है, कहा जाता कुफीता व उकीता व तनहा अनहु शैतान, कहा जाता है कि तूने बिस्मिल्लाह, वो 3 जुमला बंदा बोलता है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, कहा जाता कुफीता, तेरे लिए काफ़ी हो गया, यानी अल्लाह का ये नाम तेरे लिए काफ़ी है। तवक्कलतु अलल्लाह, मैंने अल्लाह पर तवक्कुल किया। जब बंदा अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो कहा जाता वह उकीता, तुझे बचा लिया गया, यानी तूने अल्लाह पर तवक्कुल किया, इस तवक्कुल की वजह से अल्लाह तुझे हर तरह की बुरी चीज़ से बचा लेगा। और फिर ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, कोई ताकत और कुव्वत नहीं सिवाय अल्लाह के, यानी हर तरह का पावर अल्लाह के हाथ में है। तो अब आप बाहर निकले, कुछ जो है इंसानी शैतान होंगे, कुछ जिन्नाती शैतान होंगे, ये आपको परेशान करना चाहेंगे। कहा जाता वतनहा अनहु शैतान, शैतान भी उससे दूर हो जाता है। तो ये इस दुआ के पढ़ने का फायदा है। आप जब घर से बाहर निकले लाजिमन लाजिमन, आप एक बार चाबी भूल जाएं, एक बार मोबाइल भूल जाएं, एक बार कोई और चीज भूल जाएं, लेकिन दुआ पढ़ना आप ना भूलें, दुआ पढ़ना आप ना भूलें। दुआ पढ़ लिया आपने, अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दिया। और एक दूसरी दुआ जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन अज़िल्ला औ उज़ल्ला औ अज़िल्ला औ उज़ल्ला औ अज़लिमा औ उज़लमा औ अजहला औ युजहला अलैया। ये दुआ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। क्या मतलब इसका? अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं इस बात से कि मैं भटक जाऊं या मैं गुमराह हो जाऊं। बाहर मैं निकल रहा हूं, हो सकता है दोनों मफहूम इसका, रास्ता भटक जाऊं या हो सकता है बाहर की किसी चीज में से मुतासिर होकर के मैं उस चीज को कबूल कर लूं, मैं गुमराह हो जाऊं, मैं जो है सीधे रास्ते से भटक कर किसी और तरफ चले जाऊं। तो इस बात से तेरी औ उदल्ला, या मुझे गुमराह कर दिया जाए, मुझे भटका दिया जाए। इसका एक मफहूम आप ये ले सकते हैं कि अल्लाह इस बात से तेरी पनाह चाहता हूं कि कोई मुझे किडनैप कर ले, कोई मुझे अगवा कर ले, इस बात से। औ आगे का औ अजिल्ला, या मैं फिसल जाऊं, मैं फिसल जाऊं अल्लाह इस बात से। बाहर की कोई चीज देखूं, मैं अपने मकसद से जा रहा था, वो मकसद छोड़ करके मैं किसी और तरफ निकल गया, फिसल गया, रास्ते में कोई चीज मुझे पसंद आ गई, मैंने उसको जो है गलत चीज थी, मैं उसके चक्कर में आ गया, झांसे में आ गया, मैं फिसल गया, इस बात से तेरी पनाह चाहता हूं। औ उजल्ला, या मुझे फिसला दिया जाए, इस बात से तेरी पनाह चाहता हूं। औ अजलिमा, मैं बाहर निकल रहा हूं, मैं इस बात से तेरी पनाह चाहता हूं कि मैं किसी पर जुल्म करूं। औ उजलमा, इस बात से तेरी पनाह चाहता हूं कि मुझ पर जुल्म किया जाए। इतनी प्यारी सी दुआ है कि मैं भी किसी पर जुल्म करूं अल्लाह ये भी नहीं चाहता, मुझ पर जुल्म किया जाए ये भी मैं नहीं चाहता, मैं इन तमाम चीज़ों से तेरी पनाह चाहता हूं। और आगे औ अजहला, या मैं कोई नादानी का, जहालत का काम करूं बाहर जा कर के, नहीं, अल्लाह मैं इस बात से तेरी पनाह चाहता हूं। औ युजहला अलैया, या मेरे साथ कोई नादानी का काम किया जाए, इस बात से भी मैं तेरी पनाह चाहता हूं। तो जब आप घर से बाहर निकलें, ख़ास तौर से घर में तो जो है आप अस्कार वगैरह करते रहें, घर से बाहर जब निकलें तो घर से बाहर निकलने की दुआओं का खुसूसी तौर से एहतमाम करें। ये छठी बात थी। सातवीं बात, अपनी गलतियों की भी खबर लेते रहें। हमारे यहाँ ना बाज़ दफ़ा कोई चीज़ होती है ना तो फौरन हम जो कहते हैं इसमें यहूदियों की साजिश है, फला की साजिश है, फला पार्टी वाले ये कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपकी कोई गलती नहीं, आप मासूम हैं। अल्लाह ताला तो कुरान में कहते हैं कि भाई इंसान के ऊपर जो मुसीबत आती अक्सर उसके अपने गुनाहों की वजह से आती। आपको ठोकर लगा तो ये मत देखें कि किसने मुझे धक्का दिया, क्या हुआ, या जो है उस ब्रेकर की गलती थी, या उस पत्थर की गलती थी, या किसने केले का छिलका फेंका था। आप अपनी कोई गलती याद करें, हो सकता है आपने कोई गुनाह किया था, इसकी वजह से आपको मुसीबत में डाल दिया गया, हो सकता है आपने कोई गलती की थी, इसकी वजह से अल्लाह ने आपको वार्निंग देने के तौर पर आपके साथ ये मामला कर दिया। तो अपनी गलतियों की भी खबर लेते रहे। यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में पहुंचे, उन्होंने दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। उन्होंने क्या कहा? वहां कौम की गलती नहीं रखी, किसी और की गलती नहीं बयान की, अल्लाह से तीन बातें कहीं, ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, सुब्हानका तेरी जात पाक है, इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही जालिमों में से हूं। अपनी गलती की खबर ली उन्होंने। कहा अल्लाह तूने मछली के पेट में पहुंचाकर कोई गलत काम नहीं किया, गलती मेरी थी और इस गलती के सजा के तौर पर अल्लाह तूने मुझे पहुंचाया है। और नादिम इतने थे, शर्मिंदा इतने थे कि अल्लाह से अपनी दुआ में यह भी नहीं कहा कि अल्लाह मछली के पेट से निकाल दे, यह भी नहीं कहा उन्होंने, लेकिन पीछे मकसद यही था, मकसद यही था। लेकिन शर्मिंदगी, नदामत इतनी गालिब थी कि अल्लाह से ये भी नहीं कह सके। क्या कहा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह की तौहीद बयान कर दी, अल्लाह की तस्बीह बयान कर दी और अपनी गलती की खबर ले लिया, अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया कि मैंने गलती की थी, मैं ज़ालिम हूँ। अल्लाह ताला ने कहा फस्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ कबूल कर ली, उनको उस परेशानी से नजात दे। वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, ऐसे ही हम मोमिनों के साथ करते। ये यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ खास नहीं था। जो भी मुसलमान अल्लाह की तौहीद को माने, अल्लाह की तस्बीह बयान करे और अपनी गलती की भी खबर लेता रहे कि मेरे घर में जो मुसीबत आई है, मेरी ज़ात मेरे जिस्म पर जो मुसीबत आई है, हो सकता है ये मेरी किसी गुनाह किसी गलती की वजह से हो, जो बंदा ये काम करता रहे, अल्लाह फरमाते हम ऐसे बंदे की भी दुआ कबूल करते हैं और ऐसे बंदे को उस मुसीबत और परेशानी से नजात देते हैं। तो ये बहुत अहम चीज़ है, अपनी गलती। हमारे यहाँ अक्सरियत का मामला यही है कि कोई भी मामला उनके साथ हो जाए, उसका ठेकरा किसी और के सर फोड़ देते हैं। उसका ठेकरा ऐसा लगता है कि मतलब ये मासूम है, इन्होंने कुछ नहीं किया, फला पार्टी की गलती है, फला नेता की गलती है, फला इसकी गलती है, फला उसकी गलती। अपनी खबर लो, अपने गिरेबान में पहले झांको, अपनी गलती का अंदाजा करो और फिर उसके बाद जो है उसके हिसाब से मामला करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये सातवीं चीज, अपनी गलतियों की भी खबर लेते रहें। नंबर 8, समाज के माहौल, जो समाज का हमारा माहौल है, इसमें बिगाड़ का सबब ना बने। कैसे क्या होता है? बस दफा क्या होता है कि हम अपनी एक छोटी सी गलती से पूरे समाज की तबाही का सबब बन जाते हैं। पूरे समाज, बाज़ दफ़ा क्या होता है ना कि हम इतना ज़्यादा हसास होना भी ठीक नहीं है। पुराने ज़माने के लोग वीडियो जो है लेकर के आते हैं और नशर कर देते हैं पुराने ज़माने के, और जो है समाज के माहौल को या समाज के लोगों को मुसीबत में डालने का जरिया और सबब बन जाता है। इसने किया, इसका नाम ले लिया, उसका कहीं से कोई वीडियो मिली फौरन शेयर कर दिया। ये हमारे यहाँ एक गलती और है, देखा नहीं। अभी देखिए ये हालात जो पिछले दिनों आए, सारे लोग जो है वीडियो धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं, ट्रेन में ये हो गया, ट्रेन में ये हो गया, ट्रेन में ये हो गया। तुम्हारे डालने से क्या फर्क पड़ा? कोई इनकलाब आया? कुछ नहीं होने वाला। इससे एक नुकसान ये होगा कि खौफ का, डर का माहौल बनेगा। ये बहुत बड़ा नुकसान है भाई। खबर मिल गई, खलास, उसको शेयर करने की जरूरत नहीं है। हर बंदा जो है फटाफट फॉरवर्ड, सारे लोग जो है शेयर कर रहे हैं धड़ाधड़। ऐसा लगता है कि मतलब मैंने अपनी टाइमलाइन पर शेयर नहीं किया तो ऐसा लगता है मेरा खाना ही हजम नहीं हुआ। कोई जरूरत नहीं है इसकी। ये खौफ का माहौल आप बना रहे हैं, जबकि खौफ के माहौल से लोगों को निकालने का काम हमें करना चाहिए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीम है? सहाबा को, दो सहाबा को, अबू मूसा अशरी, मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को यमन भेजा तो क्या कहा? बश्शिरा वला तुनफ़िरा, लोगों को खुशखबरियां देना, लोगों के दरमियान नफरत वाला जो है मामला पैदा मत करना। नफरत वाला मामला यानी क्या होगा? उससे आपकी वीडियो शेयर कर देने से क्या होगा? हो सकता है 2-4 लाइक आपको मिल जाए, लेकिन मालूम सबको है, सबको मालूम है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। आज मालूम नहीं है, कल मालूम हो जाएगा। लेकिन आपके मेरे फला 30 लोगों ने उसको शेयर कर दिया। अब उस 30 लोगों के अलग अलग अगर 1-1 हज़ार जो है उसके अंदर कॉन्टेक्ट्स में हो, 30,000 लोगों ने देख लिया, 30,000 लोगों ने देखा, 30,000 लोग डर गए। जहां एक बंदे को मालूम था वहां कई हजार लोगों को मालूम। खौफ का माहौल बन रहा है इससे, खौफ। और ऐसे देखो कोरोना वाले माहौल, इतना डरा रहे थे लोग कि अपनी जात से लोगों को डर लग रहा था। ऐसी ऐसी चीजें शेयर कर, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, कुछ नहीं, लेकिन डराया, सिर्फ डराया जा रहा। इससे ये वीडियो डाल रहे हैं, वो वीडियो डाल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। भाई क्या जरूरत है इन सब की? इंसान को कितनी एहतियात करना है इंसान को मालूम है। उसको पता है अच्छे से कि किस चीज से नुकसान हो सकता है, किस चीज से फायदा हो सकता है। ये अलग बात है कि जहालत में, नादानी में वो गलत हरकत कर जाता है, लेकिन ये जो वीडियोज आप शेयर करते हैं ना, इस तरह की रिपोर्टें, इस तरह की चीजें, इससे खौफ का माहौल बनता है। इससे लोगों का जहन जो है डर में मुब्तला होता है। इस डर के माहौल को खत्म करने के लिए ऐसी वीडियोस को आप नशर करें, ऐसी वीडियोस को शेयर करें जिससे इंसाफ का बोलबाला हो, जिससे लोगों के दरमियान मोहब्बतों की फिजा हमवार हो, डर और खौफ का माहौल खत्म हो। मिसाल के तौर पर आप देखें, यही हालात आए। अब इसमें बजाय इसके कि हम अपनी तरफ से कोई बात कहें, वो फला की गलती, फौरन शुरू हो जाते हैं, ये पार्टी, फौरन शुरू हो जाते हैं। भाई इंतजार करें, आपका बोलना जरूरी नहीं है और ना आपके बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला है, बल्कि सामने वाले को देखें कि सामने वाले लोगों, गैर मुस्लिम कौम की तरफ से जो ठीक ठाक लोग हैं, जिनका जहन बेदार है, जो तमाम चीजें देख रहे हैं, जो इंसाफ की बात करते हैं, उन लोगों की बातों को सुने, फिर उसको आप शेयर करें, बजाय इसके कि आप अपना कोई रिएक्शन दें, बजाय इसके कि आप अपनी कोई बात करें। ऐसे लोगों की वीडियोस, ऑडियोज, बातों को, पोस्ट्स को लेकर के आए और फिर उनकी लिंक्स को, उनकी वीडियोस को लोगों के दरमियान आम करें। इससे क्या होगा कि आप जो सही खबर अपनी तरफ से पहुंचाना चाह रहे थे, वो बात खुद उन्हीं के कौम के एक बंदे की तरफ से आप उनको पहुंचा देंगे और इस चीज का ज्यादा मुस्बत असर समाज पर होगा। और अगर नहीं भी हुआ तो कम से कम खौफ का और डर का माहौल पैदा नहीं होगा। तो ये बड़ी जरूरी चीज है कि आप अपनी हरकत से समाज के अंदर उसका माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें। आपकी जात से समाज का नुकसान नहीं होना चाहिए, आपकी बातों, आपकी हरकतों से समाज के लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि डर और खौफ का माहौल बनाने से होता यह है कि बाज़ दफ़ा इंसान अपने दिफा में कोई गलत हरकत कर जाता है और फिर उसकी वजह से उसके ख़ानदान की, उसके समाज की बदनामी होती है और उन लोगों का नुकसान होता है। नौवीं बात, ये तो बात हो गई कि माहौल खराब ना करें। नौवीं बात यह है कि अगर आप ताकतवर हैं, मजबूत हैं, तो किसी पर जुल्म करने से अपने आप को बचाएं, किसी पर जुल्म ना करें। और याद रखें कि चाहे जुल्म छोटा हो या बड़ा हो, चाहे आप किसी मुसलमान पर करें, किसी गैर मुस्लिम पर करें, मजलूम की बद्दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर कबूल करता है, जरूर कबूल करता है। इसलिए अपने आप को हर किस्म के जुल्म से बचाएं। और जुल्म में सबसे बड़ा जुल्म अल्लाह के साथ शिर्क करना है। अपने ऊपर भी इंसान जुल्म करता है गुनाह करके, दूसरों पर भी जुल्म करता है दूसरों के हुकूक पर डाका डाल करके या दूसरों को तकलीफ दे करके। हर तरह के जुल्म से अपने आप को बचाएं, इसलिए कि जुल्म वो गुनाह है जिसकी सज़ा अल्लाह बंदे को इसी दुनिया के अंदर दे देता है। जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा बंदे को इसी दुनिया में अल्लाह की तरफ से मिल जाती है। एक है अल-बग़्यु, जुल्म करना, नंबर दो वक़तिअतुर रहीमी, रिश्तेदारी को तोड़ना, इसमें भी पहले नंबर पर माँ बाप की नाफरमानी करना। तो अगर आप जुल्म करते हैं, और पूरी तारीख उठा लें, पूरी तारीख उठा ले जुल्म करने वालों की तारीख, कोई भी अल्लाह के पकड़ से बच नहीं सका। और कितना ही बड़ा जालिम क्यों ना हो, कोई भी जुल्म करने वाला अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सका। तो अगर आप मजबूत हैं, ताकतवर हैं, आपका जो है दबदबा है समाज में, आप हट्टे कट्टे हैं, किसी कमजोर को पाएं और आप मार दें, दबा दे उसको, उसके हक पर डाका डाल दे, तो आप जालिम बन गए, वो मजलूम बन गया। उसने अगर बद्दुआ दे दी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी बद्दुआ को कबूल करके आपको तबाह बर्बाद कर सकता है। और ऐसा अल्लाह ने किया, इसकी मिसालें मौजूद हैं। आखिरी बात, जालिमों का अंजाम याद रखें, जालिमों का अंजाम। ये तो बात हुई जुल्म से अपने आप को बचाएं। आखिरी बात, जालिमों का अंजाम याद रखें। ये ना सोचें कि फला जुल्म कर रहा है, फला जुल्म कर रहा है, सब के जो है घूम रहे मस्त में, पूरे सुकून से घूम रहे हैं। तो याद रखें, जालिमों का अंजाम हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा। फिरौन से बड़ा जालिम दुनिया के अंदर किसी की और की मिसाल नहीं दी जाती। अपने आप को सबसे बड़ा रब कहता था, बनी इसराइल को सताया, मूसा अलैहिस्सलाम को सताया, एक लंबी मुद्दत गुजरी, लेकिन जब अल्लाह ने पकड़ा तो फिरौन जिस रास्ते को अपने लिए नजात का रास्ता समझ रहा था, उसी रास्ते को अल्लाह ने उसके लिए मौत का रास्ता बना दिया, उसी रास्ते को। मूसा अलैहिस्सलाम निकले अपनी कौम को लेकर के, रास्ता था, फिरौन भी निकला, लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि पानी मिल जाए, समंदर का, दरिया का पानी मिल गया। जिस रास्ते को वो नजात का रास्ता समझ रहा था, अल्लाह ने उसी रास्ते में उसे हलाक कर दिया। और जब अल्लाह ने मारा, पकड़ा, गिरफ्त किया उसकी, तो कहने लगा, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं ईमान लाता हूँ उस ज़ात पर जिसके सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनु इसराइल ईमान लाए, मैं मुसलमान होता हूँ। अल्लाह ने क्या कहा, आल आना, अब समझ में बात आ रही है, वक़द असैत क़ब्लु, इससे पहले बड़ी नाफरमानियां तुमने की, वकुन्त मिनल मुफ़सिदीन, बड़े फसाद मचाए, फलियौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया, आज के दिन हम तुम्हारी बॉडी को बचा करके रखेंगे ताकि तुम अपने बाद में आने वाले लोगों के लिए इबरत का और नसीहत का सामान बनो। व इन्न कसीरम मिनन नासि अन आयातिना लगाफिलून, और हमारी आयतों से अक्सर लोग गाफिल हैं। जालिमों का अंजाम याद रखें। किसी भी जालिम को अल्लाह ने आज तक छोड़ा नहीं है। फिरौन का ही एक साथी था कारून, इतना ज्यादा खजाना था, आज के बिलियनर के पास, टॉप 10 मालदारों के पास उतना खजाना क्या होगा। इसके खजानों की चाबियां ताकतवर लोगों की एक पूरी जमात उठाती थी। इन्ना मफातिहु लतनूउ बिलउस्बति उलिल कुव्वा, लेकिन जालिम था, जाबिर था, टैक्स उसने लगा करके रखा हुआ था, रियाया पर जुल्म करता था, उनका माल बातिल तरीके से ऐंठ लेता था। लोगों ने समझाया फसाद मत मचाओ, अल्लाह के बंदों पर एहसान करो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ एहसान किया। उसने तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया, जुल्म से बाज नहीं आया, तो अल्लाह ने कहा फखसफना बिही वबिदारिहिल अर्द, हमने उसको, उसके खजानों, उसके घर, महल, बिल्डिंग सब समेत उसको जिंदा जमीन में धंसा दिया। फमा कान लहू मिन फिअतिन यंसुरूनहु मिन दुनिल्लाह, कोई भी जमात, पार्टी उसकी मदद के लिए नहीं आई। वमा कान मिनल मुंतसिरीन, और ना ही वो खुद अल्लाह से बदला लेने पर कादिर था। तो याद रखें, जालिमों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह थोड़ी ढील देता है, ढील देता है। फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रोइदा, अल्लाह फरमाते हैं ढील दो, हम भी ढील देते हैं, लेकिन इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, आपके रब की पकड़ बहुत सख्त है, वो पकड़ता है। तो बड़े बड़े लोग उसकी गिरफ्त में आने के बाद कोई नजात का रास्ता नहीं पाते। ये चंद बातें थी जो मुल्क के मौजूदा हालात की रोशनी में मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हम सभी की हिफाजत फरमाए, हम सभी को हर तरह के हालात में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी ख़वातीन की हिफाजत फरमाए, हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस मुल्क को अमन शांति वाला मुल्क बनाए, और जो भी मुल्क का माहौल ख़राब कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें सही समझ अता फरमाए। अगर उनके नसीब में, उनके हिस्से में हिदायत का रास्ता है अल्लाह उन्हें हिदायत का रास्ता दिखाए, और अगर वो इसके मुस्तहिक़ नहीं हैं तो अल्लाह उनके साथ वही मामला करे जिसके वो हक़दार हैं। रब्बुल आलमीन हम सभी को जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे। ख़ातिमा तो ख़ातिमा बिलखैर हो। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।